किस्सा है साल 2015 का, जब उत्तर प्रदेश की कमान अखिलेश यादव के हाथ में थी। वैसे कुनबे की राजनीति ने जोर तो उसी वक्त पकड़ लिया था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, और तभी से राजनीति इस कदर बढ़ती चली गई कि आए दिन समाजवादी परिवार के लोग अखिलेश के कामकाज पर सवाल उठाने लग गए थे। लेकिन हद तो तब हुई थी जब खुद समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कुछ मंत्री लूट खसोट में लगे हैं, कुछ विधायक भी कमीशनखोरी कर रहे हैं, पता नहीं अखिलेश ऐसे मंत्रियों को हटाते क्यों नहीं। बता दें, मुलायम सिंह ने ये आरोप 23 जनवरी को होने वाले विधान परिषद चुनाव की तैयारी के दौरान सभा को संबोधित करते हुए लगाया था। लेकिन देखने वाली बात तो यह कि अखिलेश यादव ने कभी अपने पिता के लगाए हुए आरोपों पर कोई बेतुका बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने नेताजी कहते हुए उनका सम्मान ही किया है। मुलायम सिंह यादव बहुत आरोप लगाते हैं, लेकिन कभी भी अखिलेश यादव ने उन आरोपों के खिलाफ नहीं बोला। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।